रामनगरी अयोध्या राम की पैड़ी का डेवलपमेंट हो रहा है। राम की पैड़ी पर तेजी से विकास कार्यों को संपन्न कराया जा रहा है। पिछले दीपोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके विस्तार के लिए महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के निर्देश दिए थे और ये 57 करोड़ की परियोजनाएं थी। बीजेपी विधायक वेद प्रकाश गुप्त ने कहा है कि आने वाले दीपोत्सव तक कार्य पूर्ण हो जाएंगे। राम की पैड़ी पर विकास कार्य होने के कारण पर्यटन का भी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा और इसके साथ ही श्रद्धालुओं को स्नान करने में भी सुविधा मिलेगी। वहीं पर सरयू नदी का जलधारा भी प्रवाह के लिए घाट का निर्माण वहां पर लगातार किया जा रहा है। उन्होंने निरीक्षण किया था और उस समय ही हम लोगों ने अनुरोध किया था माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसको राम की पैड़ी का एक्सटेंशन करके जहाँ सरजू जी में ये जल जा रहा है वहाँ तक ये घाटों का दोबारा वहाँ घाटों का निर्माण कराया दिया जाए और ये राम की पैड़ी का एक्सटेंशन कर दिया जाए सरजू किनारे तक जहाँ पर पानी वापस जाकर मिल रहा है सरजू जी के अंदर। तो ये पूरी बड़ी योजना थी, करीब 57 करोड़ की योजना थी। तो इसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17 करोड़ 23 लाख रुपया अवरुद्ध कराया है और वहाँ पर काम चल रहा है। निश्चित रूप से इसके बन जाने से राम की पैड़ी बहुत सुंदर होगी और बहुत लंबा घाटों का एक्सटेंशन हो जाएगा जिससे कि श्रद्धालुओं को तीर्थयात्रियों को नहाने में आसानी भी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी पिछली बार आए थे